ये आज बात करेंगे कैसा रहेगा आपका दैनिक दिनचर्या, जिससे बजरंगबली आपके सारे मन की मुरादें को पूरी कर सकेंगे। आपके लिए भविष्य में किस प्रकार से रहने वाले हैं तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और अपने आने वाले दैनिक दिनचर्या में आप कुछ ऐसा परिवर्तनशील बना सकें जो आपके लिए लाभकारी और शुभ हो सकेंगे। जो भी शिव जी के भक्त हैं वो सारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। आज संतान की शिक्षा में या करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति या किसी भी प्रकार का विवाद आज किसी भी मध्यस्थताओं से सुलझाने का उचित समय आपका आ गया है। घर के सदस्य की दिक्कतों को हल करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किसी भी प्रकार की बुरी आदत अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें तथा पैसों के लेन देन संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक हल करें। पिता पुत्र के बीच भी घर की छोटी से किसी छोटी सी बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती आपके सामने आएंगे, खुद को साबित करने के लिए काफी हद तक मेहनत की जरूरत हो सकती है। इस समय बिजनेस को लेकर जो योजना आपकी चल रही थी वह आपकी टल हो सकती है। नौकरी में अपने उसूलों को और सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता न करें। दाम्पत्य जीवन में किसी बात पर निर्भर साथी की नाराजगी रह सकते हैं, परंतु समय रहते आज आप उसे समझा भी ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं होगा। आज शारीरिक रूप से कुछ थकान व अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इससे आयुर्वेदिक चीजों से का अधिक से अधिक सेवन करना भी आपके लिए उचित रहेगा, शुभ रहेगा, जिससे आपके लिए बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजनाएं बना रहे हैं तो उस पर अमल करने का उचित समय आ गया है। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आमंत्रण भी आपको मिलने वाले हैं तथा लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा बना रहेगा। आय के स्रोत बनेंगे, परंतु साथ ही खर्चों की अधिकताएं रहेंगे। किसी रिश्तेदार अथवा घनिष्ठ मित्रों से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटित हो सकते हैं, जिसकी वजह से मन में व्यवस्थित रहेगा। बिना समझे किसी भी नए कार्य को आरंभ न करें, जो कि बेहतर नहीं होगा। व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत को और परिश्रम के सकारात्मक भी परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु अपने कार्य की क्वालिटी पर ध्यान देना अति आवश्यक होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। ऑफिस में अपने काम को बहुत ही अधिक संजीदगी व गंभीरताओं से करने की आवश्यकताएं होंगी। पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कहा सुनी हो सकती है, जिससे कि आपको सावधानी बरतने होंगे। बेहतर होगा कि ठंडे दिमाग तथा आपसी सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालें। प्रेम संबंधों में मधुरताएं बनी रहेंगी। इस समय कमर दर्द तथा पेट से संबंधित समस्याएं जो हो सकते हैं, अतः तली भूली और बाहरी चीजों का सेवन न करें, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सके। आप जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम आपको विशेष सफलता भी मिलेंगी। लकी कलर आज का लकी कलर पेपर रहने वाला है, लकी नंबर 3 रहेगा। आप जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आपके घरों में शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय मविंदोवास ने कुंभ राशि के जातक बहुत ही अच्छा। नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में भोले बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, फिर से एक नई वीडियो में बाबा की कृपा से बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के दैनिक राशि फल के बारे में। आज का दिन सिंह राशि के, कुंभ राशि के, ये किस प्रकार से रह सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे और आपके व्यापार व्यवसाय और करियर लव लाइफ एवं स्वास्थ्य में किस प्रकार रहने वाले हैं और आपके दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से परिवर्तन के योग बनेंगे और अपने जीवन में रंग किस प्रकार से भरने वाले हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करने के लिए आपके लिए शुभ और बेहतर हो सकता है, किस प्रकार से आपके जीवन में तमाम दुख तकलीफें सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, आज आपको कौन से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की जरूरतें हो सकती हैं जो कि आज का दिन अनुकूल बनेगा तथा आप जीवन में विशेष सफलता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के दैनिक राशि